भाषण प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता, तो सभी को उसमें अनिवार्य है पार्टिसिपेट करना, ठीक है। अगले दिन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मतदाता जागरूकता के ऊपर कुछ प्रतियोगिता है, तो अब हम इससे प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। तो पहले भाषण प्रतियोगिता के लिए तनु चौधरी आएगी और अपना भाषण प्रस्तुत करेंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने, जैसा कि आपको बताया कि मैम ने बताया भाषण प्रतियोगिता पर आज आयोजन है, तो मैं आप सभी के सामने अपना भाषण प्रस्तुत करना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे पास राइट होता है कि हम अपनी सरकार में वार कर सकते हैं, अपनी एक वोट से अपनी हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं, हम जिससे अपनी गवर्नमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं कि हमें कौन सी गवर्नमेंट चाहिए। थैंक यू। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारा मतदाता जागरूकता पर चल रहा है दिवस है, तो मैं उसके ऊपर दो शब्द कहना चाहूंगी। जैसे कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक कंट्री में रहते हैं, तो हम लोग को वोट देने का अधिकार है, तो हम सभी को अपना एक भी वोट वेस्ट नहीं करना चाहिए और जाकर अपने लिए अपनी बेस्ट गवर्नमेंट अपनी बेस्ट सरकार चुननी चाहिए। थैंक यू। सरकार से सिर्फ एक फेयर एंड लवली का लालच है।
बात नहीं है, इतनी लंबी कतार में खड़े होना। अच्छा जी, राशन की लाइन में खड़े होने के लिए तो लग जाओगे धूप में। कहो सुनियो, उसे फ्री मिल रही है, उसमें भी धूप में लग जाओगे, भंडारे की लाइन में भी धूप में लग जाओगे। आइए देखते हैं मतदान के क्या महत्व है। हमारे नवीन संविधान लागू होने से पूर्व भारत में सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत के अनुसार हमारे भारत में 13% लोगों को वोट देने का अधिकार था, जबकि उसकी कई शर्तें थी, जैसे कुछ अच्छे सामाजिक और आर्थिक लोगों के लिए। इस अधिकार के लिए हमारे देश के कुछ लोगों ने बहुत कुछ किया और हमें ये अधिकार दिलाया है वोट देने का, तो इसलिए दिलाया है ये अधिकार कि हमारा देश आगे बढ़ सके और किसी से पीछे ना रह सके, इसीलिए वोट देना जरूरी है। जन जन की पुकार है, जन जन की पुकार है, वोट देना अधिकार है, वोट देना अधिकार है, लोकतंत्र की है पहचान, लोकतंत्र की है पहचान, मतदाता और मतदान। मतदाता और मतदान। धन्यवाद।